पंजाब से राज्यसभा के दो सदस्यों का कार्यकाल जुलाई में खत्म होना है। इसी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने राज्य से संसद के उच्च सदन के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। इन दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी के सदस्यों का बिना किसी विरोध के चुने जाना तय है। राज्यसभा सदस्य अंबिका सोनी और बलविंदर सिंह भूंदर का कार्यकाल 4 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस करोड़ा राजू ने कहा कि तय कार्यक्रम के मुताबिक द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई होगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी, इसलिए आम आदमी पार्टी को दोनों सीटों पर जीत तय है। इसके साथ ही सिखों की सबसे पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल का राज्यसभा में एक भी सदस्य नहीं होगा। अकाली दल के पास सिर्फ 3 विधायक हैं। पंजाब से कांग्रेस का भी राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं होगा। गौरतलब है कि पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह समेत आम आदमी पार्टी के पास उम्मीदवार मार्च में पंजाब से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जा सकते हैं। अब दो और सदस्य चुने जाने के साथ ही राज्यसभा में आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में 10 जून के बाद 10 सांसद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आई।